गाइज ये है मेरे पास रियलमी 12 सीरीज का एक और नया स्मार्टफोन रियलमी 12 प्लस 5G। तो गाइज आज इसी फोन को अनबॉक्सिंग करेंगे, जानेंगे इसका सभी कुछ डिटेल्स में, प्राइस स्पेसिफिकेशन सभी कुछ डिटेल्स में जानेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, नीचे दिए गए बेल आइकन को दबा दीजिए। तो अभी देखते हैं बॉक्स के पीछे कुछ स्पेसिफिकेशन दी गई है, जैसे कि सोनी LYT 600 OIS का कैमरा दिया गया है, डायमेंसिटी 7050 की प्रोसेसर है, 67W की फास्ट चार्जिंग है और गाइज 120Hz की अल्ट्रा स्मूथ एमोलेड डिस्प्ले आपको इस फोन के अंदर को मिल जाएगी। तो चलिए फटाफट से इस फोन को अनबॉक्स कर लेते हैं और बॉक्स के अंदर हमें क्या क्या कंटेंट मिलता है देखते हैं। इस फोन का जो प्राइस रहेगा वो 20,000 के आसपास रहेगा। तो गाइस आप लोग वीडियो में बने रहिएगा। तो गाइस आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने बॉक्स को कर लिया है ओपन फटाफट से, और ओपन करते ही हमें मिलता है यहाँ पर एक और मिनी बॉक्स जिसके अंदर हमें मिलता है एक सिम खोलने वाला पिन, सिम रिजेक्टर पिन देखने को मिलता है। उसके बाद हमें कुछ डॉक्यूमेंट्स और क्विक गार्ड वगैरह, एक ट्रांसपेरेंट केस भी दिया गया है जिसका क्वालिटी भी काफ़ी अच्छा खासा यहाँ पर दिया गया है। और गाइस जब ये रहा रियलमी 12 प्लस का फ़ोन, उसके बाद 67W की फास्ट चार्जिंग, इसका वेट बहुत ही हैवी वेट दिया गया है, सुपर वोक चार्जर दिया गया है और फोन के साथ हमें मिलता है ये एक टाइप ए टू टाइप सी का केबल। तो चलिए अभी लुक्स देख लेते हैं फ़ोन का लुक्स कैसा है। तो गाइस ये रहा रियलमी 12 प्लस का लुक्स, आप देख सकते हैं काफ़ी खूबसूरत और ये पायोनियर ग्रीन कलर में है। बैक पैनल जो दिया गया है वो लेदर फिनिश के साथ दिया गया है, गाइस बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही अट्रैक्टिव डिजाइन के साथ बनाया गया है एक लेदर फिनिशिंग। और ये जीप लाइनर आप देख सकते हैं 12 सीरीज के हर एक मॉडल में आपको ये डिजाइन देखने को मिल जाएगा। कैमरा मॉडल जो गोल्ड दिया गया है उसमें आपको ट्रिपल कैमरा सेटअप और एक फ्लैश आपको देखने को मिल जाएगा। फोन का जो फ्रेम है वो फ्रेम आपको प्लास्टिक का फ्रेम दिया गया है जिस पे आपको क्रोम कोटिंग देखने को मिल जाएगा और काफी खूबसूरत और एकदम स्क्वायर फोन बनाया गया है। फोन के राइट साइड में आपको वॉल्यूम बटन और पावर ऑन ऑफ बटन देखने को मिल जाएगी। और अगर आप नीचे की तरफ से देखेंगे तो यहाँ पर स्पीकर, टाइप सी पोर्ट, माइक्रोफोन और सिम ट्रे दिया गया है। सिम ट्रे जो दिया गया है वो हाइब्रिड सिम स्लॉट है, यानी कि दो सिम लगा के आप मेमोरी अटैच नहीं कर सकते। ऊपर के साइड में एक और माइक्रोफोन, स्पीकर और ईयरफोन जैक दिए गए हैं, तो ये एक बहुत ही बढ़िया बात है गाइज। इस फोन के अंदर आपको ईयरफोन जैक मिल रही है, आप ईयरफोन लगा के गाना वगैरह आप लोग सुन सकते हैं। बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही स्टाइलिश लुक्स बनाया गया है गाइज रियलमी 12 प्लस का। इसका एक और कलर आता है वो है आप देख सकते हैं नेविगेटर बीच करके, जिसका नाम जो है मेरे मुंह पे आता नहीं है। और एक और का और जो दूसरा कलर है वो है पायोनियर ग्रीन। तो ये दो कलर है, बहुत ही बढ़िया कलर है, आपको जो कलर पसंद है आप ले सकते हैं। इन दोनों में से आपको कौन सा कलर अच्छा लगा आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा। चलिए अभी डिस्प्ले की बात कर लेते हैं। तो गाइस इस फोन के अंदर आपको 6.6 इंच का फुल एचडी प्लस एमोलेड डिस्प्ले मिलता है 120Hz के रिफ्रेश रेट के साथ, पंचोल कैमरा दिया गया है। और गाइस आप देख सकते हैं फोन का जो बेजल्स है वो काफी कम बेजल्स रखे गए हैं, चारों तरफ से ऊपर नीचे राइट लेफ्ट चारों तरफ से बहुत ही कम बेजल्स रखे गए हैं। और स्क्रीन टू बॉडी रेशियो 87.3% रखा गया है, इससे आपको पता चलेगा कि इस फोन का जो डिस्प्ले है कितना बड़ा है गाइस। बहुत ही बड़ा डिस्प्ले है और एमोलेड डिस्प्ले दी गई है गाइस। इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर आपको देखने को मिल जाएगा इस फोन के अंदर, तो बहुत ही बढ़िया क्वालिटी का आपको यहाँ पर डिस्प्ले क्वालिटी देखने को मिल जाएगा। और जो इस फोन के अंदर जो कैमरे दी गई है 50 MP का मेन कैमरा, 8 MP का मैक्रो, 8 MP का वाइड एंगल और 2 MP का मैक्रो कैमरा दिया गया है, 20x की जूम कैपेसिटी दी गई है, काफ़ी अच्छा खासा क्वालिटी कैमरा यहाँ पर दिया गया है रियलमी 12 प्लस के अंदर गाइस। 1x 2x आप देख सकते हैं ये वाइड एंगल कैमरा, आप देख सकते हैं पोर्ट्रेट मोड में भी आप बहुत ही अच्छे तरीके से फोटो वगैरह खींच सकते हैं, 1x 2x में काफ़ी अच्छे खासे फोटो वगैरह खींच सकते हैं। तो कैमरा जो यहाँ पर दी गई है उसमें बहुत कुछ दी गई है, OIS कैमरा दिया गया है, कैमरा में बहुत ही अच्छा खासा फोकस किया गया है गाइस। फ्रंट में आपको 16 MP का कैमरा मिलता है, पोर्ट्रेट मोड नॉर्मल मोड में भी काफ़ी अच्छे खासे फोटो आप यहाँ पर खींच सकते हैं। इस फोन के अंदर सोनी LYT 600 OIS कैमरा यूज़ किया गया है, तो इसके वजह से आप वीडियो वगैरह काफ़ी अच्छे से कर सकते हो। अगर आप ब्लॉगिंग वगैरह या फिर कुछ शूट करना चाहते हैं तो बहुत ही बढ़िया तरीके से शूट कर सकते हैं। 1080p 60 FPS के साथ आप वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। और गाइस HDR10 दिया गया है जिसके कारण आप कोई भी मूवी वगैरह आप HDR मोड पर आप वो देख सकते हैं। तो चलिए गाइस अभी फ़ोन की परफॉर्मेंस की बात कर लेते हैं। तो इस फोन के अंदर आपको मिलता है डायमेंसिटी 7050 की प्रोसेसर, तो जिस जो कि बहुत ही बढ़िया क्वालिटी का और लेटेस्ट प्रोसेसर है और बहुत ही हैवी प्रोसेसर है। 8GB रैम है जिसको आप वर्चुअल रैम करके आपको और 8GB भरा सकते हैं, 256GB की स्टोरेज है और एंड्रॉयड वर्जन 14 दी गई है। और जो रियलमी UI वर्जन है वो 5.0 आपको इस फ़ोन के अंदर देखने को मिल जाएगी। 5000 mAh की बैटरी है और
67 वॉट की फास्ट चार्जिंग है जो आपको 51 to 50% चार्ज 19 मिनट के अंदर आपको करवा देगी। तो गाइस बहुत ही बढ़िया क्वालिटी का ये फोन है, रियलमी 12 प्लस है। इस फोन का जो प्राइस है वो 20 से 22 हज़ार के अंदर आता है। तो अगर आप लोग ये फोन परचेस करना चाहते हैं तो परचेस कर सकते हैं। बहुत ही बढ़िया क्वालिटी का, बहुत ही अच्छा खासा प्रोसेसर के साथ ये फोन आता है। गाइज आपको ये फोन कैसा लगा आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा। और अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए। कैमरा क्वालिटी देख सकते हैं गाइस, कैमरा में बहुत बढ़िया तरीके से फोकस किया गया है कंपनी की तरफ से। आप कैमरा क्वालिटी देख सकते हैं, ओआईएस कैमरा यहाँ पर यूज किया गया है। वाइड एंगल, मैक्रो मोड सभी कुछ बहुत ही बढ़िया तरीके से यहाँ पर होता है गाइस। बहुत ही बढ़िया फ़ोन है, प्रोसेसर भी बहुत ही बढ़िया है। आप लोग गेमिंग वगैरह कीजिए काफ़ी आसानी से और बहुत ही स्मूथली आप लोग गेमिंग वगैरह कर सकते हैं। तो गाइस आपको ये फ़ोन कैसा लगा आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सो गाइस आप लोगों से अभी मैं विदा लेता हूँ, नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलेंगे एक और अनबॉक्सिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।